अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज का जो क्वेश्चन है वो है, इज़ फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा गुड फॉर नॉर्मल डिलीवरी? क्या फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा होने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आंसर ले आई हूँ, रिपोर्ट्स भी शेयर कर रही हूँ। तो जूम कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो प्लेसेंटा आप देख सकते हैं फंडल एंटीरियर ही ग्रेड जो है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में है। लिंगेशनल लाई है, प्रेजेंटेशन सिफेलिक एट द टाइम ऑफ द स्कैन, यानी बेबी हेड डाउन पोजीशन में है। प्लेसेंटा फंडल एंटीरियर है। फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा रहने से क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबली हो सकती है? तो जी हाँ, इंशाल्लाह अगर आपका भी फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा है तो ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो यहाँ पर डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर मिलना भी बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा हॉस्पिटल मिलना भी बहुत ज़रूरी, सपोर्ट टीम मिलना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी जो फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तब डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, उस वक्त मैं बेंगलोर में रहा करती थी। शी इज़ अ लेडी डॉक्टर, शी इज़ ब्रिलियंट, बहुत सपोर्टिव थी। तो मैं हमेशा से डिस्कस करती थी क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं, तो क्यों घबराते हो, आई विल देयर विथ यू, आई विल ट्राई 100% लेवल बेस्ट टू डू नॉर्मल डिलीवरी, ऐसा कहकर मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे सपोर्टिव डॉक्टर मिलना भी ब्लेसिंग मानती हूँ मैं तो, इसीलिए शायद मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई थी एंड सेकेंड भी नॉर्मल हुई थी। तो जी हाँ, मैं बता दूँ, मेरा फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा था, बेबी हेडर्ट पोजिशन में था, ग्रेड ये था। और सब में मेन बात कहूँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है एमनियोटिक फ्लूइड यानी एडिक्वेट होन, इसका पानी जो जिसमें बेबी होता है, जो पानी में बेबी रहता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। अगर वो एडिक्वेट है यानी सही है, 10 से ज़्यादा है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस वहीं बढ़ जाते हैं। अगर ये कम है तो फिर आपकी जो डिलीवरी है वो ऑन द स्पॉट सी सेक्शन में कन्वर्ट होती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पेनफुल जर्नी भी रही है मेरी सिजेरियन सेक्शन की, दो नॉर्मल डिलीवरी के बाद के सिजेरियन सेक्शन का वो पेनफुल एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो वो मैं और भी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, आपको अगर देखना है तो विज़िट करना। तो जी हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ। तो इज़ फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा गुड फॉर नॉर्मल डिलीवरी? तो यस, मैं कहूँगी यस, इट इज़ पॉसिबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं इजीली नॉर्मल डिलीवरी के साथ। बट इफ़ेक्ट करता है क्या, अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो वो इफ़ेक्ट करता है आपकी डिलीवरी को, और वहाँ पर आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा भी गया है प्लेसेंटा प्रीविया यानी लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है उसको कहते हैं, मगर मेरा लो नहीं है लिखा गया। यहाँ पर देखिए आप, फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा नोट लो लाइंग, लो नहीं है। अगर शायद मेरा भी लो होता, अगर लो आता तो डॉक्टर भी मुझे कहते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी के साथ नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर आप बेबी की जो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन चेंजिंग लाई एट द टाइम ऑफ स्कैन, और मेरा जो प्लेसेंटा है फंडल एंटीरियर है, ग्रेड वन है, एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है। अगर आपका पानी जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो पूरी जर्नी में सही हो और आपको कोई दिक्कत ना हो, बेबी सही पोजीशन में हो, बेबी की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है, बेबी की मूवमेंट वगैरह, बेबी हेल्दी है, आप हेल्दी है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो सकती है और आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये रही मेरी विथ प्रूफ जर्नी फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। लेबर पेन थोड़ा लंबा प्रोसेस था बिकॉज फर्स्ट डिलीवरी थी, और हाँ बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो ये रहा विथ प्रूफ फंडल एंटीरियर, यहाँ पर भी फंडल एंटीरियर, दिस इज़ माय जर्नी विथ फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा विथ नॉर्मल डिलीवरी। तो लेबर का प्रोसेस थोड़ा लंबा था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लंबा था, मगर नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी थी अच्छे से। तो ये थी जर्नी फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ। होप करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छा लगा, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस आपको मोटिवेट करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो मेरा इंटेंशन यही है कि आप सबको मोटिवेट करूँ नॉर्मल डिलीवरी के तरफ जाने के लिए। बिकॉज सीजरियन सेक्शन में तब एक दो घंटे हमें पेन बर्दाश्त नहीं होता तो इसलिए हम ये डिसीजन ले लेते हैं, मगर लाइफ टाइम इसके वजह से हमें दर्दें तकलीफ़ें महसूस होती हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैं किसी और का नहीं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस आप लोग बताना, अगर हाँ बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते वैसे सिचुएशन में, ओके,
मगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं तो आपको शुड मस्ट कराना ही चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। इससे आपको बेनिफिट भी मिलता है बहुत सारे। तो वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक से सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बना। एंड थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।